पिपलिया बाज खां मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव जो आज एक बड़ी मिसाल बन चुका है। गांव के लोगों की सेहत के प्रति जागरूकता कमाल की है और ये नतीजा है मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अथक प्रयासों का। आज यहां उत्सव का माहौल है, उत्सव उत्साह का, उत्सव उत्कर्ष का, उत्सव अभूतपूर्व कामयाबी का। ये जश्न इस बात का गवाह है कि मध्य प्रदेश अब सेहतमंद मध्य प्रदेश बन रहा है। यहां की स्वास्थ्य सेवाएं राज्य के हर व्यक्ति से बस दो कदम के फासले पर हैं और इसका सबसे बड़ा गवाह है ये जन सैलाब जो यहां स्वास्थ्य सेवाओं के महाकुंभ यानी ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुआ है। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन होता है ग्राम आरोग्य केंद्र पर। स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रगतिशील पहल के तहत प्रदेश के हर गांव में ग्राम आरोग्य केंद्र स्थापित किया है, इस मकसद के साथ कि प्रदेश के आखिरी हिस्से के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है। पहला सुख निरोगी काया अपने यहां कहा गया है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मनुष्य बाकी चीजें और दूसरी चीजें कर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ जो गरीब है उस गरीब को उपचार की पूरी व्यवस्था, सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया और बिस्तर पे पड़ गया और इलाज में अलग पैसा खर्चा होता है, और इसलिए हमने तय किया कि इसकी इलाज की गारंटी सरकार लेगी। इस बेहद खास मिशन में सबसे अहम भूमिका निभाती है आशा और ANM जो हर घर तक आरोग्य केंद्र द्वारा संचालित सुविधाओं को पहुंचाती हैं। हमें ग्राम आरोग्य केंद्र पर जाते हैं तो पहले तो फिटनेस के टीके लगाए जाते हैं, फिर वजन लेते हैं, बीपी वगैरह और जो एल्यूमिनियम शुगर की जांच होती है, हीमोग्लोबिन की जांचें होती हैं, खान पीन की सलाह दी जाती है, डिलीवरी के बाद में भी आयरन कैल्शियम की 3 महीने तक गोलियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा ग्राम आरोग्य केंद्र किशोरियों को उम्र के साथ आ रहे बदलाव और एनीमिया से जुड़ी जानकारी भी देता है। भारत में एनीमिया से ग्रस्त किशोरियों की तादाद बहुत बड़ी है, इसी के मद्देनजर किशोरियों को भोजन स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है ताकि वो एनीमिया का डटकर सामना कर सकें। इन्हें आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां मुफ्त दी जाती हैं। ग्राम आरोग्य केंद्र हर वो कदम उठा रहा है जिससे हमारी बेटियां मजबूत होकर एक मजबूत प्रदेश और देश के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के साथ ही यहां सभी ग्रामवासियों को सर्दी खांसी और बुखार जैसी बीमारियों से बचने के उपाय, परामर्श और दवाइयां निःशुल्क दी जाती हैं। ग्राम आरोग्य केंद्र में पूरे गांव की सेहत का रिकॉर्ड भी रखा जाता है।
ग्राम आरोग्य केंद्र 7 जानलेवा बीमारियों के बचाव के लिए टीकाकरण के साथ परिवार नियोजन के उपाय की जानकारी भी ग्रामवासियों को देता है। बहुत अच्छी पहल जो मध्य प्रदेश में हुई है वो ग्राम आरोग्य केंद्रों की हुई है। गांव में स्पेसिफिकली कोई संस्था नहीं होती है, इसलिए ये ग्राम आरोग्य केंद्र की कल्पना की गई, जिसमें जो आशा कार्यकर्ता है उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उसको कुछ सामान्य करीब 16 प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें बुखार की दवाई है, मलेरिया की दवाई है, टीबी की दवाई है, और भी इस तरह की दवाइयाँ हैं, और प्रेगनेंसी किट हैं और जाँच के किट हैं, ये सब उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो वहीं पर ये सुविधा दे सके और बाकी फैसिलिटीज़ में फिर रेफर कर सके अगर उसकी ज़रूरत हो। अरे वारीना, आओ बैठो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? एकदम बढ़िया। तुम्हें कोई और परेशानी तो नहीं? नहीं दीदी, आपने जैसा बताया था मैंने सब वैसा ही किया। अच्छा सुनो, इसे हमेशा अपना ही दूध पिलाना, और हाँ अपने खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखना, और अगला बच्चा 3 साल बाद, समझी? हर गांव में एक ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति बनाई गई है, जो समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करती है ताकि सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। एक स्वस्थ प्रदेश की शुरुआत होती है स्वस्थ मां से। गर्भवती महिला के स्वास्थ्य का समुचित ख्याल रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने नींव रखी ममता अभियान की, जो एक मां के आंचल की तरह जच्चा और बच्चा की सुरक्षा का पूरा पूरा ख्याल रखता है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की पूरी जांच की जाती है। एएनए मैडम ने हमें जो बताया है कि हॉस्पिटल में जाना है डिलीवरी के टाइम, तो डिलीवरी के टाइम अगर हम वहाँ समय पर पहुँच जाते हैं तो हमारा सुरक्षित रूप से हमारा ध्यान रखा जाएगा और हमारी डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और सकल प्रजनन दर में कमी लाना प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का एक खास मिशन है, और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से समर्पित है। माताओं को सुरक्षित मातृत्व के लिए सम्मान, सुरक्षा और जो समर्थन की आवश्यकता है वो स्वास्थ्य विभाग एक जन आंदोलन के रूप में संचालित करना चाह रहा है। इसके अच्छे परिणाम आए हैं। मातृ मृत्यु दर दो वर्ष पहले 310 पे था प्रति लाख, वो घट के अब 227 पे आ गया है। इसे हमें 100 के नीचे ले जाना है आगामी 1-2 वर्षों में। शिशु मृत्यु दर जो 83 पे था वो घट के अब 73 पे आ गया है प्रति हज़ार, इसे हमें घटा के 25 के नीचे ले जाना है। और जो सकल प्रजनन दर है वो 3.1 था, वो घट के 2.9 पे आ गया है। तो 2 वर्षों में हम अच्छा सुधार किए हैं, लेकिन ये संतोष, इससे हमें संतोष नहीं है जब तक हम राष्ट्रीय मानकों से बहुत नीचे नहीं आ जाएंगे। हेलो, ये जर्नी एक्सप्रेस? जी जी, वो हमारी घरवाली को लेबर पेन हुआ है। हाँ, तो वो आप गाड़ी भिजवा दीजिए यहाँ पर। संस्थागत और सुरक्षित प्रसव कराने की पहल करते हुए निःशुल्क जननी एक्सप्रेस की व्यवस्था की गई है। जननी एक्सप्रेस प्रदेश के मुश्किल से मुश्किल हिस्से में भी पहुंचकर ये सुनिश्चित करती है कि गर्भवती महिला समय से अस्पताल पहुंच जाए। प्रदेश के सभी जिलों में जननी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध है, जिसे कॉल सेंटर के जरिए 2400 घंटे संचालित किया जाता है। इसके अलावा 108 डायल कर एम्बुलेंस की सुविधा भी प्राप्त की जा सकती है।
एक बार नजदीकी अस्पताल पहुंच जाने के बाद कुशल डॉक्टरों के मार्गदर्शन में गर्भवती की सारी जांच और सुरक्षित प्रसव निःशुल्क किया जाता है। महिलाओं को प्रसव के उपरांत पोषक आहार भी निःशुल्क दिया जाता है। कि विगत 30-40 वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। एकमात्र यही कारण समझ में आया कि संस्थाओं के ऊपर जो डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, इस वजह से होम डिलीवरीज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, खास करके टिटनस, न्यूनेटम और मदर की डेथ मुख्य सेप्टिसीमिया की वजह से होती थी। इसी वजह से इंस्टीट्यूशन पर जब वो चीज़ें आने लगी और डिलीवरीज होने लगी तो निश्चित है कि हमने बेबी की केयर भी और मदर की केयर एक स्टेलाइज वे में की है, जिससे हमारी मदर डेथ और बेबी की डेथ बहुत अच्छे ढंग से रोक पाए हम और आगे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ग्राम स्तर पर आशा और ANM से लेकर जिला और राज्य स्तर पर डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद हमें महसूस करना है कि हमें ग्राम स्तर पर आशा और ANM को दवाइयों की जानकारी, चिकित्सीय उपकरणों के संचालन, नेतृत्व क्षमता, निर्णय कौशल, संचार कौशल और मरीजों के साथ आत्मीय व्यवहार अपनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो हमारा प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी गतिविधियां हैं, कोई नए चेंजिंग आते हैं और व्यवहार परिवर्तन से संबंधित सारे प्रशिक्षण इस प्रशिक्षण केंद्र में पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को बुलाकर दिया जाता है। मध्य प्रदेश की विशालता और भौगोलिक विविधता के कारण दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना एक चुनौती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मध्य प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में बसे ग्रामवासियों के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा दीनदयाल चलित अस्पताल योजना उपलब्ध है। इसमें एक डॉक्टर, एक लैब टेक्नीशियन और एक ANM होती है। इन दूर दराज के इलाकों में भी डॉक्टरों और नर्सों की मौजूदगी स्वास्थ्य विभाग के उस संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को हर घर तक पहुंचाने की बात की गई थी। चलते फिरते ये अस्पताल प्रतिदिन एक निश्चित रास्ते पर भ्रमण करते हैं। दूर दराज के गाँव में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की ये अद्भुत योजना ग्रामीणों के लिए अमृत दायिनी साबित हो रही है। यहाँ पे मलेरिया की जांच हो जाती है और गर्भवती महिलाओं की जांच होती है और भी जांचें जो बच्चों संबंधित रहती हैं, सर्दी जुखाम वगैरह इनका, और बुजुर्ग लोग जो हैं उनको भी जो भी दवाइयाँ जिस उपयोग की उन्हें चाहिए रहती वो मिलती हैं, यहाँ पे डॉक्टर साहब देते हैं। जिला स्तर पर हर अस्पताल को लगातार उच्च स्तरीय बनाया जा रहा है। आज ये अस्पताल आधुनिक सुविधाओं और उपकरणों से लैस हैं। ये अस्पताल उपचार में आने वाली किसी भी जटिलता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर उच्च चिकित्सीय संस्थानों में रेफर भी किया जाता है। साथ ही यहां बुजुर्गों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखा जाता है और इसीलिए उनके लिए अलग से OPD बनाई गई है।
लोगों में विश्वास जगा है कि अब हर तरह की बीमारी का इलाज राज्य में ही संभव है और इस योजना को मजबूती देने के लिए सहायता राशि मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि द्वारा मुहैया कराई जाती है। जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनके अपग्रेडेशन की जहां तक बात है उसमें भारत सरकार ने कुछ नॉर्म्स तय किए हैं। उदाहरण स्वरूप अगर एक ज़िला अस्पताल है तो उस ज़िला अस्पताल में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उसमें क्या गैप है और उस गैप को पूरा करने के लिए हमारा जो हर साल एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनता है जो भारत सरकार को जाता है उसको प्रोजेक्ट करें उस प्लान में ताकि अगर हमें HR की ज़रूरत है तो HR हम एक्स्ट्रा लें या अगर हमें किसी इक्विपमेंट को ख़रीदने की ज़रूरत है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है तो वो सारी चीज़ें उसमें की जाएं। स्वास्थ्य विभाग सूचना तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बना रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक नियोजित तरीके से पहुंचाने के लिए ई हेल्थ का उपयोग किया जा रहा है। ई OPD की भी व्यवस्था की गई है। इससे मरीजों का पूरा रिकॉर्ड रखना आसान हो गया है। देश में आई सूचना क्रांति का हम लोगों ने भी अपने सिस्टम की मॉनिटरिंग में अच्छा उपयोग किया है। आज हमारे पास 13 सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके माध्यम से सीधे फील्ड से हमारे पास जानकारी आ जाती है। इन सब का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ है कि ओवरऑल जो हमारी सर्विस डिलीवरी है उसमें काफ़ी सुधार आया है। शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए जिला चिकित्सालयों में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी SNCU की व्यवस्था है। यहाँ बीमार और कम वजन वाले नवजात शिशुओं की पूरी देखभाल की जाती है। हमारा फ्लैगशिप सॉफ्टवेयर MCTS मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है। इसके माध्यम से हम 18 लाख माताओं और शिशुओं की मॉनिटरिंग करते हैं। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तब वो हमारे सिस्टम में रजिस्टर होती है। उसके बाद उसकी 4 जाँचें होती हैं। हर जाँच के परिणाम, कब जाँच हुई, जाँच के क्या परिणाम आए, ये सिस्टम में दर्ज होते हैं। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं और इसलिए देश की मजबूती की शुरुआत घर से होती है। अपने इस भविष्य को मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर तरह से तैयार है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए उपचार और पोषण पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। 6 साल से कम आयु के ऐसे बच्चों की पहचान की जाती है जिनका मानसिक एवं शारीरिक विकास तुलनात्मक रूप से कम हुआ है। पहचान के तुरंत बाद इनका इलाज शुरू कर दिया जाता है और इससे उनके स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। शीघ्र पहचान, शीघ्र निदान को ध्यान में रखते हुए ये योजना प्रभावी रूप से काम कर रही है। टेलीमेडिसिन की भी हम अपने यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। हम डायलिसिस सेंटर्स एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं अपने प्रदेश में सभी जिला चिकित्सालयों में। CT, MRI इनकी सुविधाएं हम अभी मात्र बड़े शहरों में दे पाए हैं, जो बेसिकली मध्य प्रदेश में 4-5 बड़े शहर हैं वहीं पर हैं सारी सुविधाएं केंद्रित हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में टेली रेडियोलॉजी काफ़ी बड़े स्तर पर हमारे प्रदेश में इस्तेमाल में आए और ताकि छोटे छोटे शहरों में भी हम CT MRI की सुविधा दे सकें। भविष्य की योजना ये है कि हम मोबाइल और ई हेल्थ के माध्यम से राज्य के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचकर उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जो हमारा जो राज्य शासन की मंशा है और जो स्वप्न है उसे हम पूरा बहुत शीघ्र करने जा रहे हैं। सेहत 1000 नेमत, सेहत से ही दुनिया की हर खुशी है और मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इस मिशन में जुटा हुआ है कि ये खुशी हर चेहरे की मुस्कान बन सके। हम आज अपने आने वाले कल को मजबूत बनाकर ये तय कर सकते हैं कि हमारा कल रोशन होगा। हमारा स्वास्थ्य
हमारा दायित्व का लक्ष्य ही मध्य प्रदेश को बना सकता है स्वस्थ मध्य प्रदेश, सबल मध्य प्रदेश।